और गाइस अभी रात का टाइम हो गई है, वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। 10 बज के 45 मिनट मैंने ना आज का एग्जाम, आज का एग्जाम खत्म हो गई है। फिजिक्स था आज बहुत खराब एग्जाम दिया। क्या हुआ है जो मेरे को ना, मेरे को मैंने तो प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं गई थी, जो प्रैक्टिकल नोटबुक था वो सबमिट कर दिया था। और जो फ्रेन का मोबाइल वीडियो मोबाइल से देखकर मेरे को फ्रेन ने जो वहाँ पर थोड़ा भेज देती है क्या क्या दिया क्या क्या नहीं, फिजियम वो जो होता होती है ना वो दे देती है। मेरे को फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं आता पता, लेकिन मैं आप लोगों के बार बार रेट हूँ। आप लोगों को ये गलती मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम दूंगी ऐसे ही ऐसा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हम लोगों का कॉलेज में बहुत सारा सामान भी नहीं है, जो प्रैक्टिकल वगैरह किया था लेकिन मैंने नहीं गई थी, ये मेरा भूल है। लेकिन आज मेरे को बहुत शर्म आ गई थी वहाँ पर, मेरे को बोला आज मेरा कॉलेज में गया, जो उसका जो फिजिक्स का प्रोफेसर होती है ना, उन्होंने बोला कैसे कॉलेज में कैसे क्या क्या किया दिखाते हैं आप लोगों को, आपको आप ही पता चल गई है क्या। हाँ हाँ, मैं ना भर भाई जो मौखिक वहाँ था भाई वहाँ वहाँ पर मेरे को एक मिला है, बहुत शर्म की बात है गैस। लेकिन अभी मेरा 31 तारीख का और गॉड था, लेकिन उसका क्या हुआ है, बच्चे जानी बाहर निकल आ गई थी। अभी उन्होंने कॉल कर रही थी, उन्होंने बोला अभी पूरा एकदम केला का पत्ता थी ना, केला का पत्ता को मैंने उसको केला को पत्ते को अच्छी तरह से उसको पूरा लगा कर रखने के लिए दिया, उसके बाद मैं जाऊंगी ऐसा बोला। उनको कैमरा रखने के लिए था ही नहीं मिल रही, अभी मैं बना रही हूँ खाना। इधर भी जल्दी रात का टाइम भी बोर हो गई है, नींद में चली गई थी और गैस खाना भी खाना है ना। और लास्ट को आप लोग भी देखो, लास्ट तक जरूर देख लीजिए। उसके बाद अभी कल कर रही है मैं मॉर्निंग टाइम, मुझे एकदम जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पर। जो बच्चेदानी होती है ना वो बाहर निकल आती है, बाहर निकल आ गई है, उसके लिए मेरे को भी जाना है। और अभी खाना पीना खाकर पूरा एकदम जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा। मेरे को लगा था आज एकदम खत्म हो गई, जिंगल अला हो गई थी, प्रैक्टिकल एकदम खत्म हो गई, अभी 12 फरवरी से जो फाइनल एग्जाम है। लेकिन अभी कल मेरे को लगा आज एकदम एग्जाम खत्म हो गई है, मैं रात में यहाँ पे एकदम पूरा मस्ती में सो गई, मॉर्निंग टाइम थोड़ा लेट में उठूँगी, लेकिन ये नहीं हुआ, अभी उठना पड़ेगा जल्दी जल्दी। মাক দেউতাকৰ লগত থকাটো এইটোৱে ফাইদা যে মায়ে ৰাতি ভাত বনাই খুৱায়, আৰু মানে কেনেকুৱা হৈছে ৰুমত নিজে বনাই বনাই খাব লগা হৈছে, এনেকুৱা কষ্ট হয় নহয় ৰুমত পঢ়া, নিজৰ কাম, নিজে অকণমান এনেকুৱা লাগে কোনোবা অকণমান ঘূৰিব যাম, আজি এনেকুৱা লাগিছে আজি একজাম শেষ হ'ল আজি ঘূৰিব যাব পাব, এতিয়া কৈছোঁ বৰ ঘূৰি আহোঁগৈ। কিন্তু মেইন একজামটো বেটেৰী, লেকিন ভল্টেজ যে ভল্টমিটাৰ সৈতে না ৰুজ ৰুট মেইনটেইন কৰি ও, লেকিন মেৰে পতা নাই থাকে, মেনে বোলা তাৰ মুজে নাহি আতি मेरे को पूरा डांटा, डांटने के बाद मेरे को बोला क्या जानती हो तुम, उसके बाद मुझे बहुत डांटने के बाद मुझे फाइनली मैं वो बोला एकदम कंप्लीट करके आ गई हूँ। और उन्होंने हर दिन कैसे फोटो चलाने में कैसे थे कि जानो पठा जाओ ना इसको जो ना पठा जाओ, हाँ ऐसे मैंने गाड़ी तो खुनब लगे नखाऊँ ना एग्जाम दिखाई ठीक व्यवस्था है, तब बोले गम पाले गाड़ी गाड़ी दी मुझे गाली खाई थी बोले गम पाले बहुत दिन और गाइस अभी लेट हो गई थी मेरे को। देखो अभी 7:41 हो गई है, हम लोग निकल पड़े फील्ड की तरफ जाने के लिए। उन्होंने बार बार कॉल कर रही थी, मैंने उनको थोड़ा केला का ये पत्ते है ना वो देकर रखने के लिए दिया, लेकिन वो नहीं हुआ, वही से काम नहीं चला। लेकिन अभी जूता का किस टाइप से हो रही है देखो, पूरा एकदम फील्ड का जूता पूरा ये देखो ना, ये मैंने कैसे लगा लिया। Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog। और अभी ना मैं जा रही हूँ, पूरा एकदम यहाँ पे सामान है पूरा मेडिसिन वगैरह लेकर। अभी टाइम हो गई है 7:40 हो गई थी, और अभी हम लोग आकर पूरा मेडिसिन वगैरह ले लिया फार्मासी से। और बाबू बेटा गई है यहाँ पे जो हम लोग आकर डिपो है ना वहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए गई है, और मेरे को अभी मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, वो पेट्रोल भरा के आ जाएगी। बहुत सारा सामान भारी हो रही है उसका, घर में खाना पीना खा कर चली आऊँगी, वो मेरा बड़ी जीजा जी घर की है ये प्रॉब्लम। उन्होंने बताया है तीनों बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन 2 बच्चा हाथे से पैदा हो गई थी, तीन नंबर का जो बच्चा हुआ ना वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बाहर तक खींचा था,
और बहुत अंदर उसने पुश किया था अंदर, ये लोग बाहर जो खींच रही थी, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी कल का रात 12:10:30 में मुझे कॉल किया था, और अभी हम लोग निकल पड़े जाने के लिए। अभी मैं रुक रही, अभी आए नहीं अभी तक, देखो आएगी नहीं अभी तक नहीं, और ये आई है अभी। गाइस मैं पहुंच गई थी मेरे सिस्टर के घर में, लेकिन अभी बहुत ठंड लग रही थी, मॉर्निंग टाइम से कुछ भी खा कर नहीं आई थी। यहाँ पर जीजाजी और सिस्टर जल्दी जल्दी चाय बना रही है आजू हाल में, और अभी हम लोग भी थोड़ा ताप ले रही हूँ, बहुत ठंडा भी लग रहा है। और यहाँ पे गॉड को दिखाऊंगी आप लोगों, ये गॉड देखो, ये जो प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, और इसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने के बाद मेरे को 1 घंटे ही लगा ये अंदर घुसाने के लिए, बहुत ज़्यादा बाहर पुश कर रही थी। उसके बाद उसका जो इलाज करके मैंने ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया था, ये अभी अच्छा है, लेकिन उसका जो बच्चा था ना वो मर गया। अभी मेरा काम यहाँ पर डन हो गई थी, लेकिन हम लोग गई थोड़ा बाहर किसी को मिलने के लिए घर का लोगों के, और अभी मैं जा रहा हूँ कबीरे के घर, वहाँ पर खाना पीना बना कर रखा है, खाना वहाँ पर खा कर आज मैं मैडम भी और आज ऑफ है ऑफिस, और अभी यहाँ पर पूरा काम खाना पीना खा कर हम लोग चले जाऊँगी। अभी पूरा कपड़ा वगैरह बहुत सुगंध आ रही है खाना खाने के लिए। अभी यहाँ पे सिस्टर ने खाना खाने के लिए दिया था, वो जो गोद था वो हम लोगों ने कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। एक बार गाइस पापा बेटा का घर से आने का बहुत टाइम हो गई है, लेकिन अभी मेरा थोड़ा मेरा रूम में थोड़ा रेस्ट कर लिया था, थोड़ा पास्ता वगैरह सही वही पी कर अभी हम लोग फ्रेश होकर जा रही हूँ अभी एक ट्रीटमेंट करने के लिए। कल वो वाला ट्रीटमेंट किया था, आप लोगों को दिखाया था गाय का, वो अभी खड़ी हो पाई ही क्या नहीं पाई है, मैं वो देखने के लिए जाऊँगी, वहाँ पर ट्रीटमेंट भी चालू करूँगी आज, 2 दिन ट्रीटमेंट करूँगी तब पता चल जाएगा। और गाइस मॉर्निंग टाइम से जो गॉड कैसे जो मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए गई थी, वो बच्चा मॉर्निंग टाइम से कुछ भी खाना पीना कुछ के अकाल पैदा हुआ था, उसका दूध भी नहीं पिया था माँ का, और इसलिए वो दोनों डेड हो गई है। अभी फ़ोन करके बताया है, और अभी माँ का ठीक है हालचाल। हाँ मैं जा रही हूँ अभी फील्ड के तरफ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ी है, थोड़ा थकन लग रही है और इसलिए ऐसा बात कर रही हूँ। लेट्स गो गई हमसे में थोड़ा मेडिसिन वगैरह ले लिया, अभी देखो ये बहुत गई है। और गाइस मेरा इवनिंग का टाइम अभी शुरू हो गई, फील्ड का काम आप लोगों को बोला था मैंने, ये गाय को खड़ी कर ही रहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा अभी कल से बहुत ज़्यादा तबीयत अभी ठीक है, वो अभी डफ ले रही है उठने उठने के लिए, बैठने से उठने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है इंजेक्शन का वजह से। और अभी देखो ये कितना खूबसूरत कैसा अभी बैठे, कल तो पूरा एकदम मुँह जो उसका हेड था ना वो ही हिला दिया था, कुछ खड़ा सारा पानी भी नहीं खाया था, अभी खाया है सारा पानी। और गाइस मैंने इसको न्यूरोकाइन प्लस 30 ml एसोफेस 30 ml एसीपोस 30 ml मेरा बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मेरा जो बात ही अलग आ गई थी। और गाइस जो पूरा इंजेक्शन लगाने के बाद मैं आप लोगों को रिव्यू दिखाऊंगी मेरे किटी बिटनी ब्लॉग में, दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी आ गई थी। एक जो उस जो मेरा हम मेरा मरीगाँव के आस पास जो ऑफिस का एस बी आई का आस पास ये है जो हम लोग थोड़ा मार्केट दिखने के लिए। और उसके बाद हम दोनों ने प्लान किया कि हम लोग अब जाऊँगी थोड़ा घूमने के लिए। कहाँ जाऊँगी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बताऊँगी, अभी कहाँ आ रही हूँ आप लोग भी गेस कीजिए मैं कहाँ आ रही हूँ इतना रात। अभी टाइम हो गई 9:30, और अभी पूरा फील्ड का काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए। हम लोगों का मुरीगाँव में अभी चल रही है असम साहित्य सभा का, अभी यहाँ पर अधिवेशन चल रही है, बहुत सारे लोग आज से पूरा आगमन हो जाएगा, और बहुत सारे लोग आ रही है, बहुत सारा दुकान अभी यहाँ पे आकर पूरा एकदम पूरा रेडी कर रही है, कल से शुरू हो जाएगी जो 1-2-3 तारीख के लिए। और ये जो ये जो एग्जिट गेट है जो फास्ट तो गेट में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगी, बहुत सारे लोग आया है। अभी ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल का जो मिट्टी है ना बहुत दब गई थी, अंडर डाउन हो गई थी, देखो किस टाइप का हो गई है। अभी हम लोग आ रही हूँ पूरा यहाँ पे स्कूटी पार्क करने के लिए, यहाँ पे पूरा लाइटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगी। गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पिस्ता लगा कर रखा है, ये इतना खूबसूरत तरीके से सजाया है जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोगों का अभी यहाँ पर पूरा एकदम। कृतिनाथ हजरिका ये असम साहित्य सभा का सभापति संपादक ऐसा बहुत सारे लोग था यहाँ पे पूरा जड़ित रहा, और इसलिए यहाँ पे पूरा एकदम बड़ी बड़ी फोटो पिक्चर लगा कर रखा है।
और गाइस मैं जो अभी जा रही हूँ यहाँ से एकदम पूरा मेला मेला के अंदर मेला दिखाऊंगी वहाँ पर क्या क्या है क्या क्या नहीं आया है। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूरी पता चल जाएगा किटी वेटरनरी का लाइफ में किटी पेट का लाइफ में क्या क्या चल रही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। हे गाइस अभी टाइम है रात का, अभी हम लोग आया हो जो यहाँ पे ऑडिवेशन देखने के लिए नौ रहा हमें, और यहाँ पे पूरा एकदम आज हम लोग घूमने के लिए आ गई थी रात में ना। मेरा जो पूरा बाल मेरा तेल लगा के रखा था, अभी पूरा रात में ही वॉश करके आ गई हूँ। और गाइस अभी इतना आज इतना ज़रा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेला हेयर हो रही है। और अभी यहाँ पे मेरे को मौत भगवत गीता जो ये ख़रीदना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और गाइस ये मेरा दोस्त है और मेरा होने वाला पोती जब मेरे साथ आ रही है, और अभी हम लोग घूम रही हूँ। देखो बहुत सारी लोगों के पास अभी कौन कौन कहाँ पर मिलेगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये जो बहुत खूबसूरत तरीके से अभी ये सजाया है ये दोनों को मैं ढूंढ रही थी। और यहाँ पे पूरा एकदम कौन कौन था वहाँ, जो असम का जो अधिवेशन में जो फेमस फेमस लोग यहाँ पे सभापति संपादक सेक्रेटरी जो यहाँ पर ये पूरा एकदम पोस्टर लगा के रखा है। और यहाँ पे है पूरा एकदम ये मंडप वगैरह यहाँ पे हो जाएगा, खुदा कंठ भूपेन हजारिका का कोरोनी फुल मूल मंडप ये है, ये मूल मंडप है। उसके पास यहाँ पे पूरा एकदम मिला हो रही है यहाँ पर। और गाइस सॉरी सॉरी मेरे को भूल हुआ है जो यहाँ पे ना ये साहित्य सभा है हम लोग आसाम का, और अभी मेरे को भूल हो गई थी सॉरी एक्सट्रीमली। और ये लोग और यहाँ पे देखो पूरा लाइट वगैरह लगा के रखा है। मेला में लोग नहीं कम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाने के लिए लोग आ जाते हैं मेला। वहाँ पर पूरा एकदम ये कॉपीराइट आ जाएगी, ये मैंने पूरा एकदम खरीद लिया था। क्या हुआ है जो ना मैं आज पूरा एकदम रात में ही बाल धोकर आ गई हूँ इतना ज़रा, क्योंकि टाइम कल मेरा बहुत ज़रा इमरजेंसी काम था वो, इसलिए मेरे को अभी जल्दी जल्दी मुझे आना पड़ा यहाँ पर देखने के लिए। कल आ पाऊँगी कि नहीं वो भी पता नहीं है, यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगी। और ये जो एक जो मेरी बहन ने पैसा दिया था उसको खरीद लेकर जाने के लिए, वो एक कोट खरीदा दो कोट उसका और उसका माँ का। और अभी मैं जा रही हूँ घर थोड़ी देर के बाद जाऊंगी, खाना पीना खाऊंगी। मेरा दोस्त भी है, बाबू बेटा है और भाई भी है साथ में। और लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग देखने के लिए आया हूँ जो साहित्य को बा, मुझे भूल हो गई थी जो बात मैंने बता रही थी ना वो भूल था। ये वाला जो जो ये वाला पार्ट में आप सभी को मिलेगी खाने के लिए फूड, बहुत ज़रा स्ट्रीट फूड प्राग मीट बहुत ज़रा ट्रेडिशनल फूड है। और यहाँ पे हम लोग देख देख कर आ रहे हो, यहाँ पे हम लोगों को मिल गई है जो मेरा साथ जो आई थी उन्होंने एक जो प्रॉक का स्टिक खाएगी, और बहुत खूबसूरत तरीके से ये भाई ने मेरीनेट कर रही है, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। और क्या क्या दिया है यहाँ पे मैंने दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा एकदम। यहाँ पे जो दुनिया जो धुनिया होती है ना वो दे गई थी, उसके साथ पूरा एकदम मिर्ची बहुत सारे प्याज भी दिया था यहाँ पर पूरा एकदम। ये क्या क्या मछली दिखा रही हूँ देखो बहुत तरह यहाँ पे। और अभी गाइस मैं रात भी हो चुकी है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद देखूँगी। ये उन लोगों का मैरिनेट करके दिया, ये देखो कितना खूबसूरत थाली है, ये 100 रुपीज़ में मिलती है। हम दोनों ने अभी जा रहे हो, अभी इस तरफ जा रही हूँ पपोटा जा रही है जो मेरा आगे, और इसलिए हम दोनों ने मिलकर अभी जा रही हो। अभी हम लोग जाऊंगे जो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमने के लिए आ गए थे। मेरा दिन भर आज काम 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 फील्ड में। क्या हुआ जो मैंने किटिम गोवर्धन करने के लिए गई, उसके साथ गई मैंने ये वाला अभी बना रही हूँ, और उसके साथ मैंने गई थी एक जो प्लेसेंटा जो वो प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट है वो करने के लिए गई थी, वहाँ पर मैंने कंप्लीट करके आ गई थी। लेकिन जो बच्चा था वो तो मर गई है, आप लोगों को बता दिया था। और पापा बेटा ने पूरा एकदम जल्दी जल्दी मुझे बताया कि हम लोग जाऊँगे अभी थोड़ा घूमने के लिए, तुम पूरा एकदम तैयार हो जाओ। और इसलिए मैंने एकदम रात में ही मैंने यहाँ पर पूरा एकदम कैटिन का जो शैम्पू होती है ना वो लगा कर एकदम पूरा आ गई थी ऐसे ही। और हम लोग और गई सब लोगों को देखा মানে ইয়াতে ইমানে মানুহ আছে, মানুহ চাই থাকিলে লাজ লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ, কিন্তু মানে অকলে অকলে ভিডিঅ' বনাবলৈ লাজ নালাগে। এতিয়া আমি দুজনী আছোঁতো মানে সেইটো কাৰণে দুইজনী কথা বতৰা চলে, মানে এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আহি আছোঁ, মানুহে চাই আছোঁ ভাবিছে কেইজনী পাগলে হ'লে কথা পাতে। আৰু আমি এই লাইটৰ পোহৰত যাই ৰখিমগৈ তাতে, কিয়নো ইয়াত
এইখিনি মানে পুরা ইয়াত মানুহ এটা মানুহ বহুত খালি হয়ে আছে। কালি পুরা ফুল হয়ে যাবগে, কারণ কালি পুরা একদম পুরা স্টার্ট হব, ভিড় ভাড় একদম পুরা। অর গাইস আমরা খাগার আ গই হো আবি ফুড, লেকিন আবি যাওঙ্গি থোড়া টাইম রেস্ট করকে। মোবাইল উঠাই লও আবি হম লোক এই আগর আছে এই আগর গাইস। और देखो अभी यहाँ भी यहाँ पे लाइट मिला है, वहाँ पर तो लाइट ही नहीं मिल रही थी, और इसलिए मैंने ऐसे ऐसे बात करके आ रही थी। और मेरा ये जो डॉग है ना, उसका एक चैनल है बांगठाइस वाली, मैं अभी प्रमोट कर रही हूँ, पैसा नहीं दिया है लेकिन प्रमोट कर रही हूँ। उसको पूरा सब्सक्राइब कर दीजिए, यह असम इसमें ब्लॉग बनाती है और कोशिश करेगी बनाने के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग। और मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और हिडिया कह दिया और गाइज यहाँ पे पूरा खाली है अभी, लेकिन कल यहाँ पे भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दुकान वगैरह आ जाएगी, वहाँ पर पूरा फंक्शन चलेगी। अब आज फंक्शन नहीं है वहाँ पर, कल है फंक्शन। और अभी यहाँ पे देखो ये पूरा एकदम जुनबिल मेला की तरह हो गई है, लेकिन यहाँ पे पूरा खाली है अभी। ग्राउंड कल कम्प्लीट हो जाएगी पूरा एकदम पूरा। यहाँ पे देखो अभी आज से थोड़ा थोड़ा लोग आया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया है। और अभी हम लोग यहाँ पर जाकर रुकेंगे ये वाला, क्योंकि पापा बेटा और उसका दोस्त वो थोड़ा देर गई है गाड़ी लेकर लेने के लिए। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे हम लोग को पिकअप कर लेगी वो। और देखो गाइस कल और आऊँगी आज माँ के लिए, और एक पूरा एकदम खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये है पूरा एकदम फिशरी, लेकिन फिशरी में ये क्या है, देखो कितना बड़ी यहाँ पर बगला बोलती है ना, ये देखो बगला कितना बड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। देखो कितना बड़ी बड़ी यहाँ पे पंख है उनका, कल एकदम यहाँ पूरा भर जाएगी। और हम लोग कल आऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आज मैंने आया थोड़ा घूमने के लिए आ गई रहा। जो हम लोगों का गेट का सभी है ना, वो मैंने मेरा भाई को देकर आ गई, उसको बोला कि हम लोग जितना भी रात आ जाऊँगी तुम दरवाज़ा जल्दी खुल देना, कल करूँगी ऐसा बोला उनको। ये देखो पूरा एकदम यहाँ पे मेन गेट है जो आने का एग्जिट होने का वो वाला है एग्जिट हो जाने का। और मैंने अभी इतना ना पूरा एकदम यहाँ पे मैंने मेरे माँ का और जो मेरा पापा बेटा का उसका बहन का पैसा देकर हम लोगों को भेजा था, लेकिन ये खरीद के लेकर आ गई हूँ। और एक सामान दिखाऊंगी, ये जो ये है एंट्री गेट और वहाँ पर है एग्जिट गेट, पूरा एकदम यहाँ पर सजा के रखा, कल से अच्छा लगेगा यहाँ पर आने का। हम लोग आज ही आ गए थे और लेट्स गो। और गाइस ये हम लोगों का महापुर का सीमंत संकटदेव, देखो अभी ये महापुर का सीमंत संकटदेव ये कितना खूबसूरत तरीके से ये बनाकर रखा है। और यहाँ पे पूरा बंटी प्रज्वलन करके रखा है यहाँ पे एकदम। असम का जो फेमस असमीज लोग होती है ना, वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन बारबजी अंचल तीनगढ़ के वीर शहीद हेमराम पटेल गुणाबीराम बड़ेले और तिलक देखा ले गंभीर श्रद्धांजलि यहाँ पे लगा के रखा, कितना खूबसूरत तरीके से। देखो ये हम लोगों का असम का जो आंदोलन होती है ना, वहाँ पर पूरा एकदम प्राण त्याग किया था शहीद लोग है ये। और यहाँ पे ये पूरा गार्डन बना कर रखा, कितना खूबसूरत तरीके से। ये ट्रेडिशनल हम लोगों का ये है क्या, ये हम लोगों का पासी, और इसके साथ ये जापी है, ये गमसा है, ये भी देखो ये हम लोगों का कड़ाही पूरा एकदम गमसा, ये हम लोगों का बिहू में काम आती है, जो बिहू हम लोग डांस करती हूँ ना, ये हम लोगों का असम इसका श्रद्धा हमारा श्रद्धा करने के लिए ये रखती है देती है। और ये देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से एकदम पूरा अच्छे तरीके से ये सजा के रखा है। ये है मेन गेट, ये एंट्री करने का गेट है। अभी पूरा एकदम यहाँ पे मेला वगैरह है, पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह जो किताब वगैरह सब मिल जाएगी मुझे यहाँ पे। मैं यहाँ पर इसलिए आया थी यहाँ पे, मेरे को मुझे ना फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं बैक कैमरे में फ़ोटो नहीं खिंचाती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा ही मुझे अच्छा लगता है। अपने खुद का वीडियो खुद को बनाती हूँ, और अपने खुद का जो
फोटो लेती हूँ क्योंकि किसी के साथ लेने के लिए थोड़ा मेरे को दिक्कत लगती है। और गाइस यहाँ पे मेरे को ना मद भगवत गीता खरीदने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा दुकान नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना ही मिला जो कल आऊँगी कल देखूँगी। और गाइस अभी हम लोग आ गए, देखो कितना खूबसूरत ये और रेस्टोरेंट है। हम लोग यहाँ पे पूरा खाने के लिए आ गई वो, ये लोग अभी यहाँ पे मेरा वीडियो बनाना ही काम है ना, और इसलिए पूरा एकदम सामान तामान लगा रहा खूब गई छू हेबिना कर दें हेबिना वीडियो बनाई मैं मैं खाने के लिए पापा बेटा और मैं आ गई थी ये होटल में। अभी खाना पीना खाकर हम लोग रहते यहाँ पे, खाना पीना खाकर चले जाऊँगी। अभी हम लोग मैं खाऊँगी फिश, वो खाएगी पगमिट, और अभी यहाँ पे खा पी कर क्योंकि रूम में खाना नहीं बनाऊँगी ना इसलिए। और कल जाना है मेरा जो सेंटर को वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए। और यहाँ पे पॉक में यहाँ पे मछली, और यहाँ पे देखो हम लोगों का व्यंजन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मछली